वाले टाइम पास करते हुए अपना ताश वगैरह खेलते हुए। हमारे साथ मंटू कुमार जी हैं क्योंकि लोको पायलट हैं, पिछले 10 साल से ट्रेन चला रहे हैं। ये देखो भाई, बंदा एक्सपर्ट है। ये देखो भाई सर। दोस्तों, इन दीवारों को देखते हुए पूरी उम्र बीत गई और न जाने कितने साल से खड़ी हैं, खड़ी रहेंगी। दिल्ली आजमगढ़ एक्सप्रेस। भाई ये देखो भाई, मैं तो सर यार भाई ट्रेन रोक दिए भाई के लिए। अरे कहाँ दौड़ रही है वो। छोटा सा स्टेशन है, सिंगल लाइन है। मैं आपको दिखा दूं, सिर्फ एक ही लाइन है सिंगल, जाने की और आने की इसी से दोनों ट्रेन हैं। भाई पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी है, उसके बाद जो है बातें करेंगे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों। आज की जो हमारी जर्नी है बहुत ज़्यादा स्पेशल तो नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पुरानी दिल्ली से शामली। लगभग इस जो डिस्टेंस है पुरानी दिल्ली से शामली, यहाँ पर लगभग 25 स्टेशन पड़ने वाले हैं और 7:45 ट्रेन चलेगी और 10:30 के आसपास ही हमें ट्रेन वहाँ पे छोड़ देगी। जो सफ़र है भाई बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाला है, क्योंकि हर 10 से 15 मिनट के बाद ट्रेन जो है रुकने वाली है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ट्रेन, हमारी लोकल ट्रेन की आज मैं आपको जर्नी दूंगा। लोकल ट्रेन है जो कि हर स्टेशन पर रुकती हुई चलेगी। और जो रूट है ये पुरानी दिल्ली से मुजफ्फरनगर वाला रूट है, शामली शाहदरा वगैरह लोनी वगैरह होते हुए ये वहाँ पर जाने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में अगर आप नए आए हैं तो वीडियो कर देना लाइक और सब्सक्राइब। तो वीडियो करते हैं दोस्तों स्टार्ट और चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये है पुरानी दिल्ली स्टेशन, आप देख सकते हैं। जैसे सुबह के 6:30 बजे हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धूप और इस तरह का गर्मी का माहौल हो गया है। और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं ऑटो रिक्शा वाले टाइम पास करते हुए अपना ताश वगैरह खेलते हुए। अभी चलते हैं हम स्टेशन के अंदर। दोस्तों यहाँ जो है बहुत भीड़ है भाई। दिल्ली का जो सबसे बड़ा स्टेशन है वो है नई दिल्ली, और उसके बाद आता है इसका नंबर पुरानी दिल्ली। लेकिन जो माहौल है यहाँ पे, जो भीड़ भाड़ है, वो अभी भी दबा की भीड़ है यहाँ पर। भाई अभी हम जा रहे हैं स्टेशन के अंदर, यहाँ पर पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 16, 15, 14, 13। भाई नज़ारा दिखा दूंगा एक बार जरा टिकट लेने वाले का। अभी यहाँ दोस्तों एस्केलेटर की व्यवस्था भी हो गई है, यानी सीढ़ियों से और इसमें एस्केलेटर से भी आप जा सकते हैं यहाँ पर। ये अपना प्लेटफॉर्म 14। तो दोस्तों ये अपनी ट्रेन है, आज इस ट्रेन लोकल ट्रेन में सफ़र करेंगे और जो हमारा जो सफ़र का जो डिस्टेंस होगा वो लगभग 94 किलोमीटर होगा। इसमें लगभग 24 स्टेशन आपको पड़ने वाले हैं, तो जर्नी है बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाली है। और लगभग ये चलेगी 7:45 पर, पहुँचाएगी 10:40 पर। तो नज़ारा दिखा दूँगा आपको स्टेशन का। लोकल ट्रेन का नज़ारा दोस्तों, ये है अपनी ट्रेन का डीजल इंजन, क्योंकि उस लाइन पर जो है इलेक्ट्रिक नहीं है। और ये है भाई अपनी डब्बा, लोकल जनरल डब्बा। ये देख लो भाई क्या हालत है। हमारे साथ मंटू कुमार जी हैं क्योंकि लोको पायलट हैं, पिछले 10 साल से ट्रेन चला रहे हैं
इन्हीं की मदद से, इन्हीं के सहयोग से हम अपने गंतव्य तक सेफली पहुंच पाते हैं। तो सर आपको सल्यूट है मेरा, और बहुत बहुत आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से ही हम लोग जर्नी जो है अपनी तय कर पाते हैं। और सर फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? बस हमारा तो सेवा है, रेल का कर्तव्य है। जिस निष्ठा के साथ हम आए हैं, उस निष्ठा के साथ जो है सारे कर्मचारी जो है ना, रेल यात्रा करने वाले जो जितने भी हमारे यात्री हैं, उनको सेफ पहुंचाना हमारा धर्म है। धन्यवाद सर। ट्रेन नंबर 0401। दोस्तों ये अपने सामने पठानकोट है, दिल्ली पठानकोट, एसी चेयर कार। कभी एक नज़ारा मैं दिखा दूँ। भाई सिग्नल मिल गया ट्रेन को, अभी इसका शानदार आपको डिपार्चर में दिखाऊंगा। 7:56 पे हमारे सामने है दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस। काफी महत्वपूर्ण स्टेशन, बहुत पुराना स्टेशन। ये देखो भाई बंदा एक्सपर्ट है। ये देखो भाई उतर गया। दोस्तों इन दीवारों को देखते हुए पूरी उम्र बीत गई, और ना जाने कितने साल से खड़ी हैं, खड़ी रहेंगी। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये है अपना लाल किला, आज भी शान से खड़ा हुआ है, और कितना जाने कितने इतिहास का ये गवा रहा है। ये देखिए दोस्तों शानदार नज़ारा। भाई गिरेगा? देखो भाई किधर भी ट्रेन आ रही है। दिल्ली आजमगढ़ एक्सप्रेस अपने गंतव्य तक पहुंचती हुई, और ये लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं उतरने की। देखो भाई बंदा उतर गया। दोस्तों ये दिल्ली का पुल जो यमुना नदी के ऊपर है, थोड़ा आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है।
बिल्कुल भाई, मैं तो उतर गया। रिस्की है भाई, बहुत रिस्की होता है उतरना। तो ये अपनी पहली डेस्टिनेशन दिल्ली शाहदरा, और आप देख सकते हैं जितने भी ऑफिसर हैं यहाँ पर। भाई ट्रेन रोक दी है भाई के लिए। अब एक और EMU रुकी है वहाँ पर सामने। अच्छा आराम से आना यार। तो ये है दूसरा स्टेशन, पहला शारजा है, दूसरा है भेटा हाजीपुर। एक परिवार को छोड़ते हुए यहाँ पर दोस्तों, ये है खेकड़ा विधानसभा। उतने स्पीड में
टू शामली स्टेशन। पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी है, उसके बाद जो है बातें करेंगे। तो दोस्तों आज की डेस्टिनेशन ये थी, छोटा सा स्टेशन है, सिंगल लाइन है, मैं आपको दिखा दूँ, सिर्फ एक ही लाइन है सिंगल जाने की और आने की, इसी से दोनों ट्रेनें हैं। और हमारा जो ब्लॉग था आज ये लास्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। दोस्तों आज की जो वीडियो आपने काफ़ी इन्जॉय की होगी, छोटा स्टेशन था, आज की जो जर्नी थी हमारी वो थी ट्रेन को लेके, यानी जो डेली जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसको कवर करना था। और यहाँ तक हमारा जो सफ़र था दोस्तों, सफ़र जो है काफ़ी अच्छा रहा, ट्रेन जो थी लोकल थी लेकिन कोई रश नहीं था, आराम से हम लोग बैठ के आए हैं। यहाँ पे मैं एक बार दिखा दूँ स्टेशन आपको, स्टेशन का नज़ारा, सिंगल लाइन है, एक ही ट्रेन से, एक ही पटरी से जो है ट्रेन आती है और जाती है। फ्रेंड्स जो आने वाला ब्लॉग है एक शानदार होने वाला है, एक शानदार ट्रेन की जर्नी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक नई ब्लॉग के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।